हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे और मेरे ट्यूटोरियल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे और आप लोग बना भी रहे होंगे। सो आज हम आ गए हैं एक और एक स्टेटस लेकर जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, सॉन्ग तेरे वास्ते। मतलब ये तो गज़ब का गाना है एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, मींस ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो इस पर एक ट्यूटोरियल तो मस्त तो बनता ही है। तो मैं आ गई हूँ एक इस तरह का ट्यूटोरियल लेकर जो कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलना। और सेकेंड थिंग इज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके सो गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मिलेगा और उस प्रोजेक्ट को आपको अपने अपने लाइट मोशन ऐप में इसको ओपन करना है, इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग ओपन करनी है। सो आप मैं आपको ईजीली समझाऊँगी तो आप ईजीली और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा, ठीक है, तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे एक बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो है आपको कैमरा ऑन करना है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे जो फोटोज़ है, जो हमारा जो वीडियो है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है ना प्रीव्यू में, आपने जैसा देखा है, जैसा मैं प्ले करके दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। इसमें आपको फ़ोटोज़ ऐड करना है, कुछ 8 फ़ोटोज़ आपको ऐड करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिर्फ फ़ोटोज़ को ऐड करना है और उन सारी फ़ोटोज़ का जो है आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। और अगर आपको नहीं पता बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, वहाँ से आप जाकर मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर पे क्लिक किया है और फिर हमने प्लस पे गया, मीडिया पे गए और वहाँ से हमने एक फोल्डर से जाकर हमने एक फ़ोटो को इंपोर्ट किया। ओके सो उसके बाद जो है उस फ़ोटो को जो है हम नीचे लेकर आएंगे और जो लेयर जो लेयर है ना, उस लेयर पे हमें लास्ट सेकंड लेयर पे जो है हमें उसको सेट करना है और फिर उसके बाद जो है इसको इसके साइज़ को जो है हमें छोटा करना है। ओके तो जैसा मैं कर रही हूँ बस आपको वैसे ही करते जाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इसी का एक कोरेकिक भी है, ठीक है, एक और एक भी ट्यूटोरियल है, मैं वो भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फ़ोटो को ऐड करना है और फिर इसके बाद जो है इसका ड्यूरेशन आपको इंक्रीज़ करना है पूरा एंड तक। से ही आप इसका ड्यूरेशन आप इंक्रीज़ कर देंगे, आपको इसी तरह से सारे 8 लेयर्स में आपको ऐसे ही फ़ोटोज़ को ऐड करना है और आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आसान है, ये आप इजीली 5 मिनट्स के अंदर जो है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे लेयर्स में भी आपको फ़ोटो को ऐड करना है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ना जाए, ठीक है। तो आपको ईच लेयर पे जाना है आपको, ठीक है, एडिट ग्रुप में जाना है और आपको एक एक फ़ोटो ऐड करते जाना है, ठीक है। और आपको जो है ये फ़ोटो कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ सेट करना है, हमारा जो शेप है, ठीक है, शेप के नीचे ही आपको अपनी फ़ोटो सेट करना है इस तरह से कि आपकी फ़ोटो जो है उस फ्रेम के अंदर सेट हो जाए अच्छे से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मून जो है वो थोड़ा सा शेक हो रहा है, ठीक है, जैसा हम वीडियो को आगे करते हैं वैसे ही वो शेक होते जा रहा है। और आप अपनी फ़ोटो को जो है आराम जैसे अभी जैसे भी आप उसको सेट करना चाह रहे हैं आप उसको सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप करना चाह रहे हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है एक फ़ोटोज़ को जो है ना आपको हर एक लेयर में ऐड करते जाना है। ओके
और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारी वीडियो जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। और जब आप इसको प्ले करेंगे ना तो ये मस्त लगेगा, मतलब ज़बरदस्त लगेगा, और ये परफेक्ट सूट कर रहा है ये सॉन्ग के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने जैसा प्रीव्यू में मैंने दिखाया आपको वैसे ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप शेप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेप को ऐड नहीं किया है, जस्ट मैंने रैंडमली एक शेप सेलेक्ट किया है और फिर उसके बाद जो है उसको उसको सेट किया है। लेकिन यहाँ पे मैं शेप को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शेप जो है वो परफेक्टली सेट है यहाँ पे, तो मुझे शेप ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, इसका साइज़ आप छोटा बड़ा जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं। और इसमें बॉर्डर्स भी, अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है और थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्राइट और अच्छे से लाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आप शेप भी ऐड कर सकते हैं, आपको जिस तरह का भी शेप चाहिए, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप अगर चेंजेस ना करें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है, वो सही रहेगा। ओके, तो जैसा है एज इट इज़ उसको वैसे ही रखें क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त दिख रहा है, तो इसमें क्यों खाली पीली चेंजेस करना, ठीक है। ओके, तो फिर इसके बाद जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको ऐसे ही सारे लेयर्स में फ़ोटोज़ ऐड करते जाना है, ठीक है। और याद रहे सबसे पहले आपको वो कैमरा जो है उसको ऑन करना मस्ट है, ज़रूरी है, तभी आप जो है फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप कैमरा की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, कैमरा के लेयर पर जाएंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप फोकस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे, फोकस है, ठीक है, फोकस ब्लर, ठीक है, आप उसको चाहे तो उसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया ताकि वीडियो जो है थोड़ी सी अच्छी लगे, क्योंकि ब्लर थोड़ा सा ब्लर रहेगा तो मतलब उतना खास अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन क्या है ना, जब हमने फोकस ब्लर जो है उसको हमने जैसे ही बंद किया ना, अब आप देख सकते हैं मैं प्ले करके दिखा रही हूँ, वीडियो जो है हमारी कितनी मस्त और अमेजिंग लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करना चाहिए, सो इट्स बेटर कि अगर आप जो है इसमें कुछ चेंजेस ना करें, बस खाली इसमें आप कुछ 8 फ़ोटोज़ को ऐड करें और उसका बैकग्राउंड रिमूव करें और फिर उसके बाद जो है एक एक करके सारे फ़ोटोज़ को ऐड करते जाएं, जैसे मैंने आपको बताया, बस उसी तरह से आप ऐड करते जाएं और फिर उसके बाद हमारी वीडियो बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। तो आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।